हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। इस दिन 7 अक्टूबर यानी आज से नवरात्रि का आगाज हो रहा है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माता के आराधना का यह पर्व रतनपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध माँ महामाया देवी मंदिर में भी घट स्थापना के साथ प्रारंभ हो गया है। कोरोना के कारण इस बार यहाँ विशेष गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। गुरुवार को 11:37 पर घट स्थापना की गई, तो वहाँ दोपहर 1 बजे ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन करने दिया जा रहा है। इस दौरान उन्हीं श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश मिल पा रहा है जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है या फिर RT-PCR रिपोर्ट की कॉपी है। मंदिर में बिना मास्क किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मंदिर समिति की ओर से मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मंदिर में फूलमाला प्रसाद आदि चढ़ाने की अनुमति नहीं है। इन्हें प्रवेश से पहले ही निर्धारित स्थान पर जमा कराना पड़ रहा है। नवरात्रि पर महामाया मंदिर में सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ही श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति है। यहाँ तक कि महासप्तमी की रात भी 10 बजे मंदिर का पट बंद कर दिया जाएगा। इसलिए मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं को काल रात्रि पर पदयात्रा न करने की अपील की गई है। वहीं सभी से कहा गया कि केवल वे ही मंदिर दर्शन के लिए आएं जिनके पास वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट हों। इस वर्ष कोरोना को ध्यान में रखकर समिति द्वारा मेला, भागवत कथा प्रवचन, माता सेवा जगराता, 9 दिन तक चलने वाले निःशुल्क भंडारा स्थगित कर दिए गए हैं। इस वर्ष रतनपुर महामाया मंदिर में 22,500 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं जिसका श्रद्धालु वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार महामाया देवी का लाइव दर्शन यूट्यूब, फेसबुक आदि सोशल मीडिया के माध्यम से भी कराया जा रहा है। इस वर्ष रतनपुर महामाया मंदिर में 2600 घी के और 18,300 तेल के मनोकामना दीप प्रज्वलित किए गए हैं जिनमें से 1600 आजीवन सदस्य वाले ज्योति हैं। 15 अक्टूबर विजयदशमी के अवसर पर यहां देवी का राष्ट्रीय श्रृंगार किया जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम मैं सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज महामाया मंदिर में 11:37 पे घट स्थापना प्रारंभ हुई है और लगभग 1.5 से 2 घंटा माँ की पूजा अर्चना हो जाएगी। उसके बाद आम जनता के लिए माँ के दर्शन खुल जाएंगे। हमने इस बार जो है, चूंकि शासन प्रशासन की गाइडलाइन है तो मास्क कंपलसरी कर दिया है। जो भी श्रद्धालु आए मास्क पहन के आए। अगर मास्क कोई नहीं लाता तो ट्रस्ट ने एक व्यवस्था की है मास्क की। जो श्रद्धालु मास्क पहन के नहीं आते ट्रस्ट द्वारा उन्हें मास्क पहनकर ही मंदिर परिसर में एंट्री की जाएगी। दूसरा, पूजा प्रसाद फूल जो भी आप ला रहे हैं माँ के परिसर में पहुंच गया तो ये माना जाता है कि वो माँ को समर्पित हो गया, लेकिन हम उसको गेट पे रोक देंगे। कोरोना की आप लोगों की सुरक्षा के लिए सिर्फ आपको दर्शन अंदर करवाएंगे और बाकी लौट कर जब आप दर्शन से बाहर आएंगे तो आपको आपका प्रसाद वापस मिल जाएगा। वीआईपी दर्शन की क्या व्यवस्था की गई? नहीं देखिए, वीआईपी दर्शन कुछ नहीं होता, जनरल दर्शन ही है। जो कुछ लोग होते हैं उनके लिए व्यवस्था अलग है, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे सभी लोग आम लाइन में ही माँ के दर्शन करें। जो पुण्य जो उसमें मजा है वो वीआईपी में नहीं है। तो वीआईपी की कैटेगरी में आपके ट्रस्ट के द्वारा किन किन लोगों को शामिल किया गया है? नहीं, अब वीआईपी में जो भी मतलब कोई मतलब अधिकारी होते हैं ये होते हैं जो उनको एक क्योंकि वो आम जनता के लाइन में नहीं चल सकता उनके लिए एक व्यवस्था थी, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। जितने श्रद्धालु हैं हमारी इच्छा कि हम जो हमारी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही दर्शन करें, क्योंकि प्रॉपर एक गाइडलाइन का पालन होगा शासकीय का। और सभी से निवेदन है, चूंकि कोरोना है, बिलासपुर कलेक्टर महोदय ने कहा है कि वैक्सीनेशन जिसका हुआ है उसे ही प्रवेश दिया जाए, तो आप लोगों से सभी से विनती है अगर आपको वैक्सीनेशन कोर्स पूरा हो गया वही मंदिर में प्रवेश करें, जिससे बाकी आपके जो श्रद्धालु भाई हैं उनको कोई तकलीफ नहीं। वृद्ध व्यक्ति हैं जैसे कि विकलांग हैं, उनके लिए व्यवस्था, जो भी वृद्ध है विकलांग है उनके लिए हमारे पास व्हील चेयर है, वो कार्यालय आ जाए, कार्यालय में बता दें कि उन्हें व्हील चेयर की जरूरत है, हमारे कर्मचारी जाएंगे उस व्हील चेयर में बैठा के लाएंगे, उसकी एक अलग लाइन है जो हमें उनको दर्शन कराएंगे। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।